कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज पावर। तो आज हम आप लोग को इम्पोर्टेंट नोट्स देंगे, ओके, कॉपी पेन रेडी रखिएगा और इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बताएंगे कब कब क्या हुआ। क्लास थोड़ा टेक्निकल होगा फैक्ट्स के साथ, ये सब नोट्स के कारण आप आंसर लिख पाएंगे क्वेश्चंस का, तो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे कौन बताएगा? हम लोग टाइप्स पढ़े थे, क्या सॉरी सॉरी ट्रेड बार पढ़े थे। वेट एक सेकंड, आवाज आपका, रिपीट कीजिए। ट्रेड बार, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग पोर्टुगल पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ ब्रिटेन का ही कंपनी नहीं आया था यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, यूरोप का बाकी सब कंट्री भी आया था, जैसे फ्रेंच, पोर्टुगीज, हाँ वो लोग भी आए थे। तो उन लोग के बीच ट्रेड वॉर शुरू हुआ था। ट्रेड वॉर क्यों हो रहा था? वो लोग साथ मिलके भी तो बिजनेस कर सकते, प्रॉफिट करने के लिए। हाँ, तो उन लोग का जो मॉडल है मर्केंटलिज्म का जो मॉडल है, उसमें क्या है कि जो रॉ मटेरियल है उसको जितना सस्ता हो उतना सस्ता खरीदना है और अपने देश में ले जाके उसका उतना, या दूसरे देश में उसको जितना ज्यादा महंगा हो सके बेचना है। इसी का डिफरेंस जो होता है प्रॉफिट, उन लोग का कमाई होता है। तो होता क्या है कि अगर बहुत सारा कंपनीज है, मान लीजिए एक किसान है, किसान अपना सामान अपना जो उपज है उसको बेचने गया मार्केट में, अगर सिर्फ एक खरीदार है तो वो खरीदार उसको जो दाम देगा किसान को लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर पांच छह खरीदार है तो किसान के पास ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए भिंडी उगाया, पांच छह खरीदार है उसका, एक खरीदार अगर उसको ₹5 किलो दे रहा है तो बोले हाँ एगो दस, तो बोलेगा तुमसे तुमको क्यों बेचेंगे, हम उसको बेचेंगे। तो कॉम्पिटिशन, मार्केट में कॉम्पिटिशन होने के कारण ये जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी था ब्रिटिश, तो उसका लॉस थोड़ा हो रहा था, उसको लग रहा था कि उसका प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है। तो क्या वो लोग सोचा कि मार्केट से कंपटीशन ही हटा देना। कंपटीशन हटाने के लिए क्या करना होगा, बाकी सब कंपनीज को रास्ते से हटाना होगा। तो इसलिए उन लोग के बीच में लड़ाई शुरू हुआ, ठीक है। तो यही लड़ाई आपका कार्नाटिक वॉर्स जो पढ़ाए थे, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स जिसको बोलते हैं, कार्नाटिक वॉर। कार्नाटिक क्यों बोलते हैं? कर्नाटिक रीजन में हुआ था, मतलब बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है चेन्नई से सटा हुआ। आपको रुके एक मैप दिखाते हैं, ये मैप दिख रहा है? हाँ मैप नहीं दिख रहा है आपको? इसमें देखिए ये जो रीजन है, मद्रास दिख रहा है यहाँ पे, ये जो कोस्ट है यहाँ से नॉर्दर्न सरकार से नीचे, ये कोस्ट आपका कर्नाटिक रीजन है। इस कोस्ट पे अगर कब्जा कर लिया तो इस साइड जितना भी देश है, मतलब इस साइड इंडिया के ईस्ट साइड, सिंगापुर, म्यांमार, चाइना, जापान, उसके साथ ट्रेड कर सकता है। तो इसी कोस्ट को लेकर लड़ाई हो रहा था। तो ये कोस्ट का कंट्रोल किसके पास था? यहाँ कालीकट दिख रहा है आपको छोटा सा, यहाँ पे देखिए जो जो ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ है ना, वो ब्रिटेन ब्रिटेन के कंट्रोल में था वो इलाका, ठीक है। जैसे देखिए बंगाल है यहाँ पे, बिहार एंड बंगाल, बड़ा सा, पहले बंगाल और बिहार और झारखंड तीनों मिला हुआ था, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ये पूरा ब्रिटेन ब्रिटिश का, ठीक है। एक सेकंड, किसी का ऑडियो ऑन है। हाँ, तो ये पूरा ब्रिटेन का कंट्रोल में था, और यहाँ का जो कोस्ट है जो मद्रास से सटा हुआ है, वो आपका हैदराबाद का जो निजाम है, ठीक है, उन लोग के क्षेत्र में आता था।
और कालीकट भी वहीं हैदराबाद का निजाम को अगर कोई अपने पार्टी में ले लिया तो वो इस मतलब तट का ये हो जाएगा, वहां से ट्रेड कर पाएगा। ठीक है, तो हैदराबाद का निजाम लोग का फैमिली में क्या चल रहा था, गद्दी के लिए झमेला चल रहा था। तो दो दावेदार जैसे था वहां पे चंदा साहिब और अनवरुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद अली। तो चंदा साहिब को ये ब्रिटिश फ्रेंच लोग सपोर्ट कर रहा था कि वो गद्दी पे बैठे, मतलब घर का लड़ाई में ये लोग घुस गया था कि हम इस आदमी को सपोर्ट करेंगे और हम इस आदमी को सपोर्ट करेंगे ताकि जो उसका पार्टी है वो गद्दी पे बैठेगा तो वो लोग ट्रेड कर पाएगा आसानी से, है कि नहीं, वो अगर राजा बनेगा। तो ये सब लड़ाई चल रहा था आपका कर्नाटिक वॉर में। तीन कर्नाटिक वॉर हुआ, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ आपका 1746 से 48, हाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये जब वॉर हो रहा था उसी समय यूरोप में भी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई चल रहा, ठीक है। तो यहाँ भी लड़ाई शुरू हो गया और ब्रिटेन के तरफ से जो जनरल थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ओके, रॉबर्ट क्लाइव, और फ्रेंच के तरफ से जो जनरल थे उनका नाम था फ्रेंच डुप्लिक्स, फ्रैंकोइस डुप्लिक्स। उसका फोटो देखिए बुक में दिया हुआ है, फ्रैंकोइस डुप्लिक्स का दिख रहा है आप लोग को, और रॉबर्ट क्लाइव का जो फोटो है हम आपको दिखाते, ये है तो ये है रॉबर्ट क्लाइव, फोटो दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, हाँ नो सर एक सेकंड अभी देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पे फोटो, यस हाँ ये है रॉबर्ट क्लाइव। तो लड़ाई किसके किसके बीच में था, फ्रेंच के तरफ से कौन गवर्नर थे, डुप्लेक्स, फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, हाँ, और इनके तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, और इन दोनों में से जीता कौन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में इंडिया आए थे, हाँ 18 साल की उम्र में इंडिया आए थे। उनका पदवी आर्मी में जल्दी जल्दी बढ़ने लगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, बहुत क्या बोलते हैं सबल थे, मतलब बहुत ही एफिशिएंट जनरल थे। तो उनका आर्मी में रैंक धीरे धीरे तरक्की होने लगा था। एक बार समय आया कि उनको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और उनके ही अंडर में बैटल ऑफ प्लासी, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी हुआ और ब्रिटेन जीता, और बैटल ऑफ प्लासी जो ब्रिटेन जीता उसी के कारण इंडिया में उसका न्यू स्थापित हुआ। उस टाइम बैटल ऑफ प्लासी हार जाता अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज कभी गुलाम नहीं बना पाता इंडिया को। तो रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान है उन लोग की तरफ से ब्रिटेन को इंडिया में स्थापित करने का, ठीक है। ओके, तो कर्नाटिक वॉर हो गया, पहला कर्नाटिक वॉर, मतलब ये कर्नाटिक लीड कर रहा था गवर्नर डुप्लिक्स और रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव जीत गए। उसके बाद सेकंड कर्नाटिक वॉर जो हुआ उसमें हम जो बताएं आपको, हाँ 1549 से 54 तक, इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए, इसमें जो हम बताए थे हैदराबाद के निजाम, तो निजाम असफ जहाँ गद्दी के लिए लड़ाई कब शुरू होता है, जब कोई पावरफुल राजा रहता है उसके रहते हुए तो कोई गद्दी के लिए लड़ाई नहीं करेगा, जब उसका डेथ होता है ना उसका भाई बंधु उसका भतीजा मामा का लड़का सब लड़ाई करने लगता है कि हम गद्दी पे बैठेंगे तो हम गद्दी पे बैठेंगे। ये चल रहा था वहां पे हैदराबाद के निजाम के घर में, इसी मौका का फायदा उठाने का कोशिश किया फ्रेंच और ब्रिटेन पार्टी। कैसे, तो फ्रेंच लोग किसके किसके बीच में लड़ाई हो रहा था, उनके फैमिली में नसीर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है,
हैदराबाद में, और फिर चंदा साहिब और अनवरुद्दीन जो कि मोहम्मद अली उनका नाम बाद में पड़ गया के बीच, उनके बीच में फ्रेंच लोग जो है वो मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कर रहे थे, बोले ना नसीर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में लड़ाई हो रहा था गद्दी के लिए, हैदराबाद का निजाम का गद्दी के लिए, तो फ्रेंच लोग मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे कि मेरा आदमी है ये अगर गद्दी पे बैठेगा तो हम लोग खुलेआम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश लोग किसको सपोर्ट कर रहा था, नासिर जंग, दो लोग हैं नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग को फ्रेंच लोग सपोर्ट कर रहा था, जैसे आप दोनों हुए, ये दोनों आपके दोस्त है, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है, अगर ये गद्दी पे बैठेगा तो आपको फायदा होगा, तो आप चाहेंगे वो गद्दी पे बैठे तो अपना आर्मी लगाएंगे उसके तरफ से, तुम उससे लड़ो हम आर्मी दे रहे हैं, फिर उसके तरफ से ये सपोर्ट दे रहा है कि नहीं तुम उससे लड़ो हम आर्मी दे रहे हैं, फायदा इसमें किसका होगा और नुकसान किसका होगा, लड़ाई किसके बीच में है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, फायदा कौन उठाएगा, फ्रेंच, अगर कोई भी जीतेगा तो फायदा किसको होगा, ब्रिटेन को, या हाँ तो वो लोग फायदा उठा रहे घर का लड़ाई का, ठीक है। तो इसमें फिर ये लड़ाई होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंच लोग हार जाते हैं, फ्रेंच साइड का जो सपोर्ट किया रहता है जिसको वो लोग हार जाते हैं, उसके बाद फ्रेंच को ट्रीटी साइन करना पड़ता है, उसके बाद वो लोग पौंडीचेरी जो था पौंडीचेरी को भी हत्या, पौंडीचेरी फ्रेंच के अंडर में था, पौंडीचेरी देखा है, रुक के दिखाते हैं आपको, इसमें नहीं दिखा रहा है, पुंडिचेरी इसी साइड है, ठीक है, साउथ में, यहाँ दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है आप लोग को, इस साइड है, ठीक है, यहाँ हैदराबाद है बीच में, उसी के एम्पायर के अंदर आता है पुंडिचेरी, या निजाम का टेरिटरी दिख रहा है आपको, निजाम हैदराबाद टेरिटरी, उसी के अंडर में है पुंडिचेरी, उधर तो पौंडीचेरी पहले फ्रेंच के अंडर में था, तो ये लड़ाई हारा वो लोग तो पौंडीचेरी ले लिया था ब्रिटिश, ब्रिटिश के पास अगर पौंडीचेरी है तो अब वो फ्रेंच को जो भी मन वो करवा सकता है, ठीक है, तो उसके साथ ट्रीटी साइन किया कि तुम अब लड़ाई उड़ाई नहीं करेगा मेरे साथ, हमको इंडिया में फैलाने दो मेरा मार्केट, मेरा ये तुम बीच में नहीं आएगा, तो फ्रेंच बोला ठीक है हम तुमको पौंडीचेरी दे देते हैं, ब्रिटिश बोला तुम उसी में रहो कोने में हमको फैलने दो, ये उन लोग के बीच ट्रीटी साइन हुआ। उसके बाद फिर उसके बाद लास्ट थर्ड कर्नाटिक वॉर भी हुआ हम लोग के बीच, इसमें तो फ्रेंच को पूरी तरह से हरा दिया ब्रिटेन, उसके बाद फ्रेंच कभी फिर दोबारा सर उठाने का उन लोग का ताकत नहीं बचा, तो अब एकमात्र पावर बचा यूरोप का ब्रिटेन थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद, ये कब चला था 1756 से 1763, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी का बात करेंगे, जैसे हम यहाँ मैप आपको दिखाएं, ये मैप दिख रहा है, हाँ ये मैप जो यहाँ पे दिख रहा है बिहार बंगाल, ये ब्रिटेन के अंडर में है, डेट क्या है मैप का 1798, ऊपर देखिए लिखा हुआ है इंडिया इन 1798, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी आपका कब हुआ था, 1757, अभी बस आने वाला है 23 जून को, 23 जून को 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, ठीक है, हाँ सिराज उदुल्ला था और इधर रॉबर्ट क्लाइव, और सिराज उदुल्ला जीत जाते हैं, लेकिन उनका हाँ उनका जो ये था क्या बोलते हैं, बहुत करीबी उनका जो था मीर जफर, उनका जनरल था कमांडर आर्मी का, मान लीजिए आप राजा हैं तो आपके आपका आर्मी जितना ताकतवर होगा आप भी उतने ताकतवर होंगे ना, तब ना आप लड़ पाएंगे, तो आपका आर्मी का जो जनरल है वही आपका साथ नहीं दिया, तो अकेले हैं, ठीक है आप तो हार जाएंगे, तो उनका जो जनरल था मीर जफर, वही उनके पीठ में जो बोलते हैं ना पीठ में छुरा भोंकना, हाँ धोखा दे दिया, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ाई हो रहा था ब्रिटेन ब्रिटिश आर्मी के साथ, प्लासी, प्लासी बंगाल में है नॉर्थ में, मुर्शिदाबाद कैपिटल था पहले, कलकत्ता नहीं था, कलकत्ता को बसाया है अंग्रेज लोग,
कलकत्ता पहले तीन गांव था, कलकत्ता कोई गए हैं? कालीकट, कालीकट था, सुता नाती था और एक गोविंदापुर था, तीन गांव था। तीन गांव को ब्रिटेन ब्रिटिश लोग खरीदा। ब्रिटिश लोग कैसे एक्सपेंशन कर रहा था, देखिए वो लोग आया यहाँ पे, ठीक है, आप कहीं गए, आपको ट्रेड करना था, आपको फैक्ट्री चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए। तो आप गवर्नमेंट के पास गए, बोले कि हमको जमीन दे दो, हम फैक्ट्री सेट करेंगे। तो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री जो सेट हुआ, हुगली नदी जो बंगाल में है उसके किनारे में, 1651 में, ये डेट लिख लीजिए 1651, पहला फैक्ट्री सेट हुआ बंगाल में। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री बंगाल 1651 में। ओके, तो 1651 से 1757 के बीच में क्या क्या होता है। 1757 ब्रिटिश बहुत सारा टेरिटरी अपना लेता है, जैसे आपको हम ये मैप दिखाते हैं। हाँ, 1651, 16 से का। ये जो आपको मैप दिख रहा है, इसमें देखिए ब्रिटेन का कंट्रोल में कितना कम जगह है। इधर बंगाल की तरफ है, बिहार बंगाल, नीचे नॉर्दर्न सरकार है, इधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी वो था उसके अंडर, और मद्रास प्रेसिडेंसी जो चेन्नई है, हाँ कालीकट और मद्रास प्रेसिडेंसी उसके अंडर में, और कहीं नहीं है, कितना कम जगह है उसके अंडर। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये 1836 का बात है, देखिए बढ़ गया कि नहीं एरिया, लाइन लाइन किया हुआ एरिया है वो ब्रिटिश के अंडर में दिख रहा है। इधर असम को भी हथिया लिया, इधर नीचे म्यांमार की तरफ हथिया लिया, साउथ में पूरा कर्नाटिक रीजन वो जीत गए, श्रीलंका को तो ले ही लिया था, सिलोन नाम रखा था, श्रीलंका ब्रिटिश लोग का जो जीभ है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, वो लोग हर वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो जैसे कालीकट जो था उसको कैलकटा कैलकटा बोल दिया, कसीम बाजार को कोसिंग कोसिंग बाजार बोलता था, फिर पलाशी को प्लासी प्लासी, इसलिए बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं। देखिए कितना ऊपर, नॉर्थ में दिल्ली को भी हथिया लिया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो यहाँ लिखा हुआ है दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न दिल्ली सटा हुआ, जमुना रिवर गंगा रिवर उसको हथिया लिया। उसके बाद आगे देखिए आगे क्या होता है, 1857 का मैप, जो पिंक कलर का एरिया दिख रहा है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में, बहुत ज्यादा कितना फैल गया देखिए, समझ रहे हैं। 1757 से 1857 में पूरा एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि 1757 में वो लोग बंगाल को हथिया लिया, बैटल ऑफ प्लासी जीत के। नेपाल को कोई कभी जीता नहीं, कोई कभी उसको गुलाम नहीं बनाया, कोई कभी नहीं जीता, क्योंकि वहां पहाड़ पहाड़ है, वहां पे क्या गुलाम बना के करेगा क्या, ना खेती हो सकता है उतना, ना कुछ हो सकता है, भूकंप से पूरा आते रहता है भूकंप भूकंप। तो नेपाल ही एकमात्र देश है जहाँ कभी किसी ने कब्जा नहीं किया। तो बैटल ऑफ प्लासी कैसे क्यों हुआ, ब्रिटेन लोग क्या किया था, जब औरंगजेब थे 1698 और 96 के बीच में, 96 और 98 ये डेट लिख लीजिए, 1696 से 1698 के बीच में, हम क्या बता रहे थे, वो लोग आया जमीन मांगा राजा से, फैक्ट्री अपना सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट 1696 से 1698, हाँ हम बता रहे इसके बीच क्या किया, वो लोग कि वो लोग आया पहले फैक्ट्री सेट किया 1651 में। उसके बाद जब फ्रेंच लोग और पोर्तुगीज लोग से झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगा, तो राजा को बोला कि हम लोग को अपना फैक्ट्री को किला के रूप में बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग के ऊपर हमला होता है फैक्ट्री के ऊपर। तो क्या शुरू कर दिया, फैक्ट्री को किला में तब्दील करना शुरू कर दिया, कलकत्ता में फोर्ट विलियम वो लोग बनाया, पहले वो फैक्ट्री था उसको फोर्ट विलियम फोर्ट बना दिया, किला उसके ऊपर तोप उप लगा दिया पूरा, ठीक है, उसका किला देखें, किला के सामने गड्ढा रहता है पूरा, उसमें पानी भरा हुआ रहता है ताकि किला पे कोई हमला ना कर सके, तो वो सब बना दिया। सब राजा से पूछ कि हम लोग ट्रेड करते हैं, फ्रेंच लोग हमला करता है, इसीलिए अपना आर्मी रखना शुरू कर दिया, प्राइवेट आर्मी,
ब्रिटिश आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सोच रहे हैं एक कंपनी देश में आया ट्रेड करने, फिर जैसे मान लीजिए रिलायंस ही है, अभी गवर्नमेंट से बोलेगा कि हमको अपना ही एक आर्मी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, हमको अपना एक जगह चाहिए, वहाँ किला बनाएंगे, उसके बाद जो मन वो करेंगे। उसके बाद और गवर्नमेंट से क्या फरमान ले लिया था औरंगजेब से कि उन लोग को, जैसे आप कहीं जाते हैं ट्रेड करते हैं खरीदते हैं, जो कमाई होता है आपको टैक्स देना पड़ता है ना, ड्यूटी टैक्स फ्री कर दिया था उसको, मतलब ब्रिटेन को, ब्रिटिश को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, भर भर के लूट लूट के ले जाता। जब औरंगजेब का डेथ हुआ, कब हुआ, 1707 में, 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ। तो टाइमलाइन आप देख लीजिए, टाइमलाइन क्या हो रहा है, 1651 में ब्रिटेन पहला फैक्ट्री सेट किया कलकत्ता बंगाल में, उसके बाद 1696 से 1698 वो लोग अपना फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन शुरू किया, कलकत्ता में जमीन लिया, तीन गांव है, तीन जो गांव बताए थे, कालीकट, सूतीनाता और गोविंदपुर, हाँ ये तीन गांव को वो लोग खरीदा। कौन कौन गांव से? कालीकट, कालीकट, हाँ 1707 कालीकट, हाँ तीन गांव, कालीकट, सूतीनाता और गोविंदापुर, हाँ गोविंदपुर, ये तीनों गांव को वो लोग हथियाया, ठीक है, अब गांव को हथिया लिया, अब गांव से टैक्स लेने का भी वो लोग अधिकार ले लिया था, मतलब गांव में जितना फार्मर लोग है वो लोग जो उपजाएगा उससे टैक्स लेने का भी वो लोग अधिकार ले लिया था कि हम यहाँ पे, मतलब वो लोग का अपना गवर्नमेंट एक तरह से चलने लगा था, नवाब का सुनता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, 1707 में जब औरंगजेब मरा, मुगल अंपायर क्या किया था, पूरा इंडिया को एक जोड़ में जोड़ दिया था, एक, हाँ 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ, तो क्या, सात सात 1707 औरंगजेब का जब डेथ हुआ तो उसका रियासत जो था मुगल अंपायर टूटने लगा, कि एक ताकतवर राजा जोड़ के रखता है अपना एम्पायर, जैसे ही टूटेगा तो अब राजा हर जगह तो नहीं रहता है ना, उतना बड़ा उसका एम्पायर है, तो एक एक प्रोविंस जिसको स्टेट बोलते हैं, राज्य, राज्य में जैसे अभी है एक एक राज्य में गवर्नर है, हाँ सीएम है, गवर्नर है, उसी तरह उस समय वो अपॉइंट करता था सीएम, गवर्नर के जैसा पोस्ट गवर्नर रहता था उसका, तो वो लोग जब उसका डेथ हो जाता था तो ये लोग बोलता था हम आजाद हैं, हम अपना राज्य बनाएंगे, मेरा अपना एम्पायर है। उसी तरह बंगाल भी जब उसका डेथ हुआ अलग हो गया, तो बंगाल में इन लोग का क्या बोलते हैं, बंगाल में जो उसका जनरल लोग था वो लोग अपना शासन शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो लोग शासन शुरू किया, तो उन लोग नहीं जो मुगल अंपायर है ब्रिटेन, मुगल अंपायर अभी राज कर रहा है पूरा बंगाल पे, सब चीज पे, पूरा इंडिया पे, आधा से ज्यादा इंडिया पे। जब औरंगजेब मरा तो भारत जो उसका अंपायर था मुगल अंपायर टूटने लगा, जो उसका जनरल लोग था बोल रहे हैं कि हम लोग आजाद हैं, मतलब मुगल अंपायर से अलग हो रहे, अपना राज्य खुद शुरू करें। जैसे अभी मान लीजिए बिहार स्टेट बोले कि हम इंडिया से अलग हैं, अपना देश बनाएंगे, तो उस तरह टूटने लगा, क्योंकि औरंगजेब मर गया था, कोई वहां पे था नहीं पावरफुल लीडर जो एक जुट रख सके सबको, तो बंगाल अलग हो गया। तो जो ब्रिटेन को टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार कौन दिया था, औरंगजेब, मुगल अंपायर। अब मुगल अंपायर हट गया, बंगाल में किसका राज है, वहां का निजाम सिराजुद्दौला का फैमिली, निजाम का, वहां का जो निजाम है उसका राज है। तो वहां उन लोग का राज है, तो वो लोग तो ब्रिटेन को टैक्स फ्री ट्रेड करने नहीं ना देगा, तो वो लोग तो चाहेगा कि हम लोग का जो मतलब कमाई हो, राज्य का जो कमाई हो वो आए हमारे क्या बोलते तिजोरी में, क्योंकि मुगल अंपायर से तो उन लोग का नाता टूट चुका है, तो मुगल अंपायर क्या जो रूल दिया नहीं दिया उससे हमको क्या मतलब, तुम मेरे जमीन पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो हमको टैक्स दो, ठीक है। इस चीज को लेके थोड़ा उन लोग के बीच नोकझोंक शुरू हो गया, ठीक है, ये कब शुरू हुआ, औरंगजेब के मरने के बाद 1707, हाँ 1707 के बाद, उसके बाद 1733, हाँ 33, और थोड़ा उन लोग के बीच नोकझोंक हो गया कि ब्रिटिश लोग
बात नहीं सुन रहा था, वहां का जो निजाम है, जो राजा है, उसका बात नहीं सुन रहा था। वो बोल रहा था टैक्स देने तो सुन नहीं रहा था, बोल रहा था अपना आर्मी क्यों इतना बड़ा बना के रखा है, मेरा आर्मी है ही तो तुम लोग अपना आर्मी क्यों रखा है, हमसे प्रोटेक्शन लो। बोला नहीं, तो आर्मी हटाने बोल रहे तो भी नहीं हटा रहे वो लोग। वो लोग का फैक्ट्री पूरा किला बन चुका है, अब तोप लगा हुआ है उस पे। ये तो खतरे का बात है ना, एक राजा के अंदर एक ऐसा ग्रुप है उसके राज्य के अंदर जिसके पास अपना आर्मी है, अपना किला उला सब है उसका, वो अपने से टैक्स ले रहा है, जो जो जमीन लिया था, जो बोले थे 3 गांव, तो वहां का लोग से खेती करवा रहा है ये सब। हाँ, तो एक राज्य के अंदर अपना ही वो लोग राज्य चला रहा है, तो ये राजा के पावर के ऊपर खतरा है ना। तो इस बीच वो बोल रहा था तो उनका बात नहीं सुन रहा था, इसी बीच राजा मतलब थोड़ा गुस्सा हो गया, और इसी तरह ये गुस्सा जमा होते 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 1957 में वो सिराजुद्दौला विद्रोह कर दिया, मतलब चढ़ाई कर दिया अंग्रेज लोग का, जो सेंटर है कोलकाता में उस पर चढ़ाई कर दिया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव मद्रास, अंग्रेज का उस समय 3 जगह पे ये था राज, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो रॉबर्ट क्लाइव मद्रास प्रेसिडेंसी में था, उधर सिराजुद्दौला का कैपिटल कहाँ है, रुकिए आपको मैप दिखाते हैं। बंगाल कोई गया है, कलकत्ता बंगाल कोई गया है, कौन गया है? ये दिख रहा है मैप आपको? नहीं। आया? यस सर। इसमें देखिए यहाँ मुर्शिदाबाद लिखा हुआ है, ये कैपिटल था सिराजुद्दौला का, यहाँ वो रहता था। और नीचे आइएगा तो कलकत्ता को दिख रहा है, यहाँ पे है नीचे रेड डॉट, कलकत्ता यहाँ पे। तो मुर्शिदाबाद से वो कलकत्ता चढ़ाई करने के लिए आ गए, ठीक है, मुर्शिदाबाद से आया। यहाँ अंग्रेज लोग का ये था रास्ता कलकत्ता, अंग्रेज लोग क्योंकि क्यों कलकत्ता वो लोग चुना, यहाँ देख रहे हैं डायमंड हार्बर है, यहाँ से नाव आ सकता है कलकत्ता तक, आराम से ट्रेड कर सकता है वो लोग, ठीक है। तो कलकत्ता वो लोग चढ़ाई करने आया, रास्ते में काशीपुर कसीम बाजार सबको जीतते हुए वो लोग आया, सब वहां पे सेंटर था। ये हुगली नदी आपको दिख रहा है, ज़ूम करेंगे, हुगली नदी दिख रहा है, नदी के आसपास ही उन लोग का फैक्ट्री रहता था ब्रिटिश का। क्यों नदी के पास क्यों रहता था? हाँ, ट्रांसपोर्ट करने में इजी होगा। तो सबको जीतते हुए आया यहाँ पे। उसके बाद कलकत्ता में वो लोग का फोर्ट विलियम है, ठीक है, फोर्ट विलियम पे धावा बोल के उसको जीत लिया, ठीक। वहां के जो सोल्जर लोग था उन लोग को एक वहां डंजन बोलते हैं, मतलब कारागृह, उसमें बंद करके मार दिए सबको, सब ब्रिटिश आर्मी फोर्स को। ये खबर जब नीचे पता चला, मद्रास पहुंचा मद्रास प्रेसिडेंसी, तो वो लोग वहां से फोर्स भेजा, 2 तरह का फोर्स भेजा, एक नेवल आर्मी भेजा, नेवल मतलब नौसेना, जहाज से भेजा, और एक जहाज। तो अंग्रेज लोग आया कहां से? जहाज मतलब नाव, बोझ वाला जहाज, प्लेन नहीं। नाव भेजा, नाव वाला आर्मी भेजा, और इधर से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा कि जाके जीत के आओ, हरा के आओ उसको। तो वो लोग गया, वो लोग मिला कहाँ पे? यहाँ पे कलना दिख रहा है आपको, कलना, एक सेकंड। यस स्क्रीन दिख रहा है अभी, एक कलना है, कलना के पास ही है यहाँ पे, इस जगह पे आपका प्लासी, कटवा है यहाँ पे, कटवा नदिया इसके पास है यहाँ पे बॉर्डर पे, प्लासी जगह का नाम है, प्लासी उसको बंगाल में बोलते हैं पालाशी, एक पेड़ का नाम है, उसका फूल बहुत सुंदर होता है, गुलाबी कलर का, उसी का फूल से बनता है गुलाल, होली में जो नेचुरल गुलाल होता है ना, जो बोलते हैं होली में लगता है, उसी का फूल से बनता है पालाश का फूल से। तो अंग्रेज लोग को तो पालाश बोलने आएगा नहीं, तो लोग प्लासी, तो उसका नाम हो गया प्लासी। वहां पे उन दोनों का आर्मी, रॉबर्ट क्लाइव का आर्मी और सिराजुद्दौला का आर्मी वहां जाके भिड़ा, लड़ाई शुरू हुआ। तो इधर रॉबर्ट क्लाइव अकलमंद था,
अंग्रेज लोग सिर्फ बल का दम पे नहीं जीतता, क्या किससे हाथ मिला लिया, मीर जाफर से, सिराजुद्दौला का कमांडर, कमांडर आर्मी का कमांडर, कि बोला कि तुम मेरा साथ दे दो हम राजा को हरा देंगे, मेरे पास आर्मी है ही, लेकिन उस राजा का आर्मी ज्यादा बड़ा है, हो सकता है हम लोग हार जाएं, तुम मेरा साथ दो तो क्या होगा, आदमी कमजोर हो जाएगा, हम लोग राजा को हरा देंगे और तुमको राजा बना देंगे। उसको बनाता है लेकिन आगे पता चलता है कि पपेट आर्मी किंग बोलते हैं उसको, पपेट, पपेट मतलब कठपुतली, हाँ कठपुतली। तो वो जाफर धोखा दिया, हार गया, सिराजुद्दौला को मार दिया वो लोग बैटल फील्ड, हाँ तो जिंदा रखेगा क्यों, रखे फिलहाल फिलहाल ब्रिटिश लोग को जिससे फायदा है उसको जिंदा रखेगा, जिससे फायदा है उसको मार देगा बैटल के बाद, ठीक है तो मार दिया उसको। उसके बाद मारने के बाद मीर जाफर को बना दिया पपेट किंग, पपेट मतलब कठपुतली वाला राजा, ब्रिटिश लोग बोलेगा वो करेगा, ठीक है, ताकि उन लोग को जो ट्रेड है उन लोग का मेन फोकस था मेरा जो व्यापार है उन लोग को पैसा से मतलब, मेरा जो व्यापार है जो इंडिया से हम लूट के ले जा रहे हैं कोई रोक टोक नहीं आना चाहिए ना राजा किंग, असल में हाँ था किंग असल में ब्रिटिश लोग उसको बैठाया, उसके अंदर वो राजा जब बनेगा उसके अंदर भी इच्छा तो आएगा ना, राजा है लगेगा थोड़ा, कभी कभी मन करेगा हम क्यों ऑर्डर लें ब्रिटिश से, मेरा राज्य मेरा देश मेरा आर्मी ब्रिटिश लोग से क्यों ऑर्डर लें, कभी कभी उन लोग के बीच में जब ऐसा आता था तो उसको हटा देता था, किसी और को राजा बना देता, तो उसी का भतीजा को उठाएगा, क्योंकि लोग फूट डालने में एक्सपर्ट था, बोले कि देखो तुम्हारा चाचा राजा बना हुआ है तुमको भी राजा बनना है, वो जब तक जिंदा है नहीं रह पाएगा राजा, अभी उसको हटा देते हैं तुमको बना देते हैं, पर तुम हम लोग जो जो बोलेंगे तुमको वो तुम करना, ऐसे करके वो लोग करता था पपेट आर्मी वो लोग चलाता था। तो बहुत दिन ऐसे पपेट आर्मी चलाया, उसके बाद देख रहा था 1957 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है 1957 से 64 के बीच में, मतलब 7 साल के अंत में 3-4 बार वो लोग चेंज किया नवाब ऑफ बंगाल, जो बंगाल का जो राजा होता है उसको बोलते हैं नवाब ऑफ बंगाल, तो बहुत बार चेंज किया, इससे इसके साथ नहीं बनता था इसको हटा के दूसरा को लगाता था। उसके बाद धीरे धीरे देखा तो 1965 में रॉबर्ट क्लाइव उस समय था, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि अब पपेट गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, पपेट राजा से काम नहीं चलेगा, हम ही लोग को राज करना पड़ेगा, तो हम ही लोग अब राज क्यों ना करें, हम लोग को ही नवाब अब बनना पड़ेगा, तो सब कुछ हटा दिया ब्रिटेन लोग, डायरेक्ट कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का अपने हाथ में ले लिया, रॉबर्ट क्लाइव बन गया बंगाल का गवर्नर, मतलब बंगाल का राजा, नवाब वाला पोस्ट ही हटा दिया वो लोग, गवर्नर बोल दिया, ठीक है। हर एक जैसे बोले ना 3 प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, हर एक प्रेसिडेंसी का एक हेड होता है, उसको ब्रिटिश लोग का एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर बोलते हैं, ठीक है, वो सारा गवर्नर का एक हेड होता है जिसको गवर्नर जनरल बोलते हैं, समझे, जैसे अभी देखिए हर स्टेट में एक गवर्नर है, ठीक है, एक सीएम है, इस सबका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट गवर्नर के लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के लेवल, ठीक है, उसी तरह जितना प्रेसिडेंसी था सबका हेड था गवर्नर, और सब गवर्नर का हेड था गवर्नर जनरल। तो ब्रिटिश इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जनरल का नाम रॉबर्ट क्लाइव, तो बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, हाँ उसका लिख लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। जो पहला गवर्नर जनरल है बना था जो इंडिया का ब्रिटिश के अंडर में, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, WARREN HASTINGS, हेस्टिंग्स,
उसका फोटो भी देखना है। सर गवर्नर कहाँ का था? ये गवर्नर जनरल था, जितना भी गवर्नर लोग था ना, जितना भी प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, जैसे अभी हम लोग का है स्टेट्स, ठीक है, अलग अलग स्टेट है, राज्य जिसको बोलते हैं। यस सर। ब्रिटिश लोग के समय अलग अलग प्रेसिडेंसी था, प्रेसिडेंसी बोलते हैं राज्य के, जैसे जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, राज्य की तरह ही बॉम्बे, फिर कैलकाटा प्रेसिडेंसी हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी, इसी तरह हर प्रेसिडेंसी का हेड था एक गवर्नर, और उस सारे गवर्नर का मतलब पूरे इंडिया का राजा समझ लीजिए गवर्नर जनरल, सारे गवर्नर्स का हेड गवर्नर जनरल समझ लीजिए प्रेसिडेंट। पहला था वॉरेन हेस्टिंग्स, फोटो देखिए, हाँ वही अभी तो वही पढ़ा है। हाँ नहीं वो उसमें उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें बस डेट्स याद उसमें सिर्फ डेट्स याद रखना है आपको, जैसे हम बता दें कौन कौन आया था, ठीक है, जब वास्को डा गामा कब आया था इंडिया, ठीक है, ये डेट्स, ठीक है। वो देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, डेट्स होता है 1400 कुछ में, 14 बुक में क्या 1498 में, हिस्ट्री में डेट्स जो है, लेकिन किसका म्यूट नहीं है, शिखा कुमारी आपका बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि हिस्ट्री में जो डेट्स है, सबको पता है हिस्ट्री में डेट याद रखना पड़ता है, लेकिन कौन सा डेट इम्पोर्टेंट है, कौन सा डेट याद रखेंगे, कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करेगा। मान लीजिए आपका जन्म हुआ, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ, कोई मान लीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, 18 जुलाई 2009, तो ये भी 100 साल बाद, ये भी एक डेट है, ये डेट याद करेगा 100 साल बाद का इंसान, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि उस डेट से रिलेटेड कोई आसपास बड़ा इवेंट नहीं हुआ, ठीक है। जब किसी डेट के आसपास या कुछ कुछ इवेंट्स होता है जो एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, जैसे जन्म, डेथ, बैटल, ठीक है, ये एक एक इवेंट पे होता है, एक एक डेट पे, जैसे 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, लेकिन कोई कोई चीज होता है, कोई कोई इवेंट जिसका एक पर्टिकुलर डेट नहीं आप बोल सकते, जैसे आप आसपास देखेंगे तो आपको दिखेगा चाय आदमी पीता है टी स्टॉल, तो आप सोचेंगे कि इंडिया में इंसान चाय पीना कब शुरू किया, इसका आपको डेट नहीं मिल सकता, तो ऐसा नहीं था कि रातों रात जैसे कल हुआ पूरा देश चाय पीने लगा, 23 जून को पूरा इंडिया चाय पीने लगा, ऐसा नहीं, वो तो एक एक्सटेंडेड पीरियड होता है, लंबा समय, मतलब इतना से इतना के बीच में, 1956 के से लेके 1973 के बीच में, ऐसे करके बीच में धीरे धीरे इंडिया में चाय आने लगा, ऐसे करके वो डेट हम अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ब्रिटेन लोग ही लाया था चाय इंडिया में, उन लोग ब्रिटेन, क्योंकि ये जो चाय का खेती है बहुत ब्रिटेन में इसका डिमांड है चाय का, और लेकिन ब्रिटेन में चाय उगा नहीं सकता वो, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है वैसा, बाहर से चाय मंगाएगा तो खरीदना पड़ेगा, पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, इन लोगों के पास है अपना कॉलोनी इंडिया में, इंडिया में वैसे इन्वायरमेंट है, असम में वहाँ चाय खेती करेगा फ्री में, वहां से चाय उठाएगा कम दाम में, राइनोसोरस काजीरंगा नेशनल पार्क, तो यहाँ से चाय लेके जाएगा सस्ता में वहां पे बेच सकता है, यहाँ से सस्ता में उगाएगा वहां पे महंगा में बेचेगा, तो प्रॉफिट, हाँ तो चाय वैसे आया, तो उसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, धीरे 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 करके आया, तो ये दूसरा तरह का इवेंट हुआ, और एक इवेंट होता है जिसका पर्टिकुलर डेट होता है, तो जैसे वास्को डी गामा कब इंडिया आया, तो उसका पर्टिकुलर डेट, लेकिन ब्रिटेन, ब्रिटिश लोग कब इंडिया पे कब्जा किया, उसका एक पर्टिकुलर डेट नहीं बोल सकता, देखे ना 1651 से शुरू हुआ पहला फैक्ट्री जब शुरू किया, धीरे 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 करते करते एक एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स आता है,
ऐसा नहीं कि 1651 से लेके 1696 के बीच में ब्रिटिश लोग कुछ नहीं कर रहा था। 1696 में अपना अपना फैक्ट्री को किला फोर्टिफिकेशन शुरू किया। फोर्टिफिकेशन ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। फोर्टिफिकेशन मतलब उसको किला बनाना, फोर्ट मतलब क्या होता है, किला। फोर्टिफिकेशन मतलब उसको किला के रूप में तब्दील करना। फोर्टिफिकेशन वो लोग शुरू किया, वो लोग फरमान जारी करवा लिया था मुगल एम्पायर से कि हम लोग को फ्री में ट्रेड करने का मौका मिले। तो 50 साल के बीच में बहुत छोटा छोटा वो लोग काम करते रहा, धीरे 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 करते करते 1696 में बड़ा इवेंट हुआ। उसके बाद धीरे 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 बंगाल, जब 1707 में औरंगजेब मरा तो धीरे धीरे बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव शुरू हुआ। धीरे 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 करते करते 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो गया। बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो बंगाल पे कब्जा हो गया इसका, ठीक है। और वो जी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया था, लेकिन 1691 में बंगाल में पहला फैक्ट्री खुला था। वो लोग मद्रास और कालीकट में तो था ही, सूरत में नहीं पहला। सूरत में भी है, कालीकट में भी था। कालीकट में ईस्ट इंडिया कंपनी अभी नहीं, कालीकट में था। सूरत में लोग आया था, ठीक है, सूरत में आया था। कालीकट में अपना बेस बनाया था, कालीकट में भी, सूरत में भी। कालीकट बड़ा बेस सूरत से, कालीकट का कालीकट हुआ, फिर इधर मद्रास हुआ। मद्रास में लोग था पहले से 1600 से लेके 1651, लेकिन बंगाल में पहला फैक्ट्री लोग सेट किया 1651। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंगाल जब वो लोग जीता, पहले तो लोग सिर्फ ट्रेड कर रहा था, लेकिन बंगाल जब जीता ना तो सभी, उसके बाद वो लोग राज्य करना शुरू किया। बंगाल में, बंगाल में, बंगाल में तो 1651। और इंडिया में ब्रिटिश सिस्टम 1600। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेचर जान लीजिए, वो सरकारी कंपनी नहीं था, प्राइवेट था, लेकिन सरकार उसको सपोर्ट करता था। जैसे आपको एक फोटो दिखाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 10, जैसे मान लीजिए 10 अमीर लोग हैं, वो लोग मिलके सोचते हैं कंपनी चालू करते हैं, पैसा लगाएं, ठीक है, सब चीज कर दें, नाविक को बुलाएं, नाव लिए, उसके बाद वहां से क्या इंडिया से लोग क्या ट्रेड करके ले जाते हैं, कॉटन, सिल्क, ये लिख लीजिए, कॉटन, मसाला, मसाला में सब मसाला नहीं, मसाला में सिनेमन, सिनेमन, सिनेमन मतलब दालचीनी, सिनेमन, CINAMON, नील बाद में आएगा, वो टेक्सटाइल वहां, थोड़ा आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज है, आ रही है। क्या बोले सर? बोले कि वो लोग क्या क्या इंडिया से ट्रेड करके ले जाता था। एक है कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस में, मसाला में सिनेमन, सिनेमन मतलब दालचीनी, कार्डमम, कार्डमम मतलब इलायची, CARDAMOM, सब मसाला वो लोग लेके जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर ये था कि वो लोग प्राइवेट वेंचर मतलब अपना, हाँ, प्राइवेट लोग, हाँ, पर्सन मतलब कुछ अमीर लोग का ग्रुप का बनाया हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी था, और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करता था। गवर्नमेंट को वो इंडिया से उतना सारा प्रॉफिट लाके देता था, टैक्स देता था, तो गवर्नमेंट को भी फायदा। और ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट था, ब्रिटेन का जो साम्राज्य था, वो तो चाहता था एक्सपेंशन, मतलब फैले, ब्रिटेन का कॉलोनी बने, तो वो लोग था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे सालाना मीटिंग होता था, इस मीटिंग का एक फोटो दिखाते हैं आपको, ब्रिटेन में होता था।
ये दिख रहा है हाँ, यहाँ देखिए कौन कोई रीड कीजिए ऑनलाइन से कोई रीड कीजिए सर अच्छा दिख नहीं रहा है थोड़ा नीचे कीजिए दिख रहा है ठीक फाइव पढ़ना है सर हाँ 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 ठीक है पढ़िए कौन पढ़ रहा है सर आप पढ़िए आप पढ़िए ऑनलाइन से पढ़िए अच्छा ठीक है सर दी जनरल कोर्ट रूम्स ईस्ट इंडियन हाउस लीडर्स हॉल स्ट्रीट लेडन हॉल स्ट्रीट जगह का नाम दी कोर्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दी द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स प्रोप्राइटर्स ऑफ प्रॉपर्टी के जो मालिक होते हैं ऑफ दी ईस्ट इंडियन कंपनीज had their meetings in the East Indian House on Leyden Hall Street in London. This is a picture of one of these meetings in progress. हाँ, देखिए कितना लोग का पैसा लगा हुआ था East Indian Company, कितना profitable था East Indian Company. हाँ, तो actually ये लोग राज करता था. ठीक है आज यहीं तक रहते हैं तो नेक्स्ट जो है आप लोगों को हम ये कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं ठीक है ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे इसमें व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया पहला क्वेश्चन दिख रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन यस सर क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के लाना है नेक्स्ट क्लास हाँ 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 फाइव देखिए हाँ सर कौन सा नंबर क्वेश्चन फोर्थ फिफ्थ बस फाइव हाँ फोर और फाइव क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव ओके हाँ फोर क्वेश्चन नंबर देखिए व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया मतलब इंडिया में क्या ऐसा था जो आकर्षित हुए यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आने के लिए क्वेश्चन व्हाट वेर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम आपको ये बताए ना क्या क्या रीजन था बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब नोकझोंक तनाव हाँ नहीं सिर्फ चार और पांच दो क्वेश्चन नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर और टीपू सुल्तान के बारे में